देखो मारुति, सीधे से बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? माँ, मैं उस रहस्यमय वानर से मिलना चाहता हूँ। हमारे अंजन प्रदेश में उत्पात मचा रखा है। हम तुम्हें कभी समझ नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अनुमति देता हूँ। जाओ तुम उस वानर की सारी समस्या सुलझाकर शीघ्र ही आना। विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा जी, कहाँ होंगे विश्वकर्मा जी? अभी तक तो उनका कोई पता नहीं चला, किंतु मुझे लग रहा है कि वो इसी क्षेत्र में कहीं होंगे। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति दो। देवर्षि, विश्वकर्मा जी की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, और यदि ऐसे में हनुमान उनके सामने पहुंच जाए तो कोई अनर्थ ना हो जाए। नारायण नारायण। गंधर्वराज, जहां हनुमान जी हैं वहां कभी कोई अनर्थ हो ही नहीं सकता। अर्थात प्रभु फिर कोई लीला रचने जा रहे हैं? लीला तो होगी ही गंधर्व कुमार, और इस लीला से कई और कार्य भी सिद्ध होने वाले हैं। विश्वकर्मा जी का श्राप तो दूर होगा ही, साथ ही इस घटना से जुड़े लोगों के संकट भी दूर करेंगे संकट मोचन हनुमान। नारायण नारायण। मुक्ति दो मुझे, हे ब्रह्मांड के देवी देवताओं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो मुझे, मुझे मुक्ति दो। विश्वकर्मा देव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन हो और किस विश्वकर्मा की बात कर रहे हो तुम? और किस विश्वकर्मा की बात कर रहे हो तुम? विश्वकर्मा जी तो शापवश सब भूल गए हैं। इन्हें तो स्वयं के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं। सबसे पहले तो इन्हें याद कराना होगा कि ये विश्वकर्मा देव हैं। बालक, इस तरह यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? जा, चला जा यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ, आपको आपकी सच्चाई बताने के लिए। मेरी सच्चाई तू क्या बताएगा? और मुझसे मिलने कोई नहीं आता, सब मुझसे डरते हैं और डर के भाग जाते हैं। जा, तू भी भाग जा। सब इसीलिए भागते हैं क्योंकि आपको उन पर आक्रमण करते हैं। जो आप कर रहे हैं वो अनुचित है। बालक, अब तू मुझे सिखाएगा कि उचित और अनुचित क्या है? हाँ, किसी को अकारण मारना आपको शोभा नहीं देता।
क्योंकि आप विश्वकर्मा देव हैं, क्योंकि आप विश्वकर्मा देव हैं, देवों के शिल्पी हैं, देवों के शिल्पी हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि आप विश्वकर्मा देव हैं, देवों के शिल्पी हैं। विश्वकर्मा देव हैं, देवों के शिल्पी हैं। कुछ याद आया आपको? आप विश्वकर्मा जी हैं। आपने सूर्य के तेज से विष्णु जी का चक्र बनाया है। शिव जी का त्रिशूल भी आपके द्वारा ही बनाया गया है। याद आया आपको? कौन विश्वकर्मा? मैं किसी विश्वकर्मा को नहीं जानता। आप देवों के शिल्पी हैं और देवों के सभी अस्त्र शस्त्र आप ही ने बनाए। स्मरण तो कीजिए। कौन विश्वकर्मा? कैसा विश्वकर्मा? मैं किसी विश्वकर्मा को नहीं जानता और मुझे कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा। मुझे तो बस मुक्ति चाहिए, मुक्ति। और मेरा मन लगातार विचलित होता रहता है। मुझे तो बस मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे। विश्वकर्मा जी, आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है, इसीलिए आपको याद नहीं आ रहा कि आप कौन हैं। पहले मुझे आपका क्रोध बाहर निकालकर आपको शांत करना होगा। अरे विश्वकर्मा जी, आपको ऐसे मुक्ति नहीं मिल सकती। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। बालक, अभी भी समय है, चला जाओ यहाँ से। यदि मेरा क्रोध जाग गया तो मैं तुझे मार डालूंगा। विश्वकर्मा जी, आप क्या मारेंगे मुझे? आप तो मुझे छू भी नहीं सकते। बालक, लगता है तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं है। आज तेरा अंत मेरे ही हाथों होगा। जा दुष्ट बालक, भागता कहाँ है? अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। तुझे अब देख कैसे रुलाता हूँ मैं तुझे। रुलाओगे तब ना, जब मुझे पकड़ पाओगे। Oh!
चोली खेल ली तूने मुझसे, मगर अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। रहने दीजिए विश्वकर्मा जी, मुझे मारना आपके बस की बात नहीं है। रुक जा तू, अभी बताता हूँ। क्या हुआ विश्वकर्मा जी, रुक क्यों गए? सांसे तो पकड़िए मुझे। बहुत दूर है तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए। छोड़ोगे तो तब ना, जब आप मुझे पकड़ पाओगे विश्वकर्मा जी। रुक। संभालिए अपने आप को विश्वकर्मा जी, जो संभाल के नहीं चलते वो ऐसे ही गिरते हैं। अब तू कहाँ भागेगा बालक, मैं इसी गुफा में तेरा अंत कर दूंगा। दुष्ट बालक, अब तू इस गुफा से भाग नहीं सकेगा, और मैं तेरी समाधि इसी जगह बनाऊंगा। आप मुझ बालक पर आक्रमण करेंगे विश्वकर्मा जी, ये तो धर्म नीति नहीं है। लगता है तू मुझसे अब डर गया है, लेकिन मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। आज तेरी मृत्यु निश्चित है। लगता है आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। पकड़ पाए नहीं मुझे, चलो एक गदा युद्ध ही हो जाए। आइए विश्वकर्मा जी आइए। अरे विश्वकर्मा जी आइए आइए, आक्रमण तो कीजिए मुझ पर। बजरंग बली
जय जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली, जय कपीट बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, हयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तुम साधारण बालक नहीं हो सकते, बताओ कौन हो तुम? मैं आपका शत्रुनी शुभचिंतक हूँ, मैं आपका शत्रुनी शुभचिंतक हूँ, आपकी सहायता करने ही आया हूँ मैं, आपकी सहायता करने ही आया हूँ मैं। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो तुम मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बता दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप कुछ क्षण मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आया। विश्वकर्मा जी, ये तुम बार बार मुझे विश्वकर्मा क्यों कहते रहते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका नाम विश्वकर्मा देव है। आप ये लड्डू खाइए, माँ ने बनाया। तुम मुझे मुक्ति का मार्ग बता सकते हो तो बता दो। वो भी ज्ञात हो जाएगा, पहले आप ये बताइए कि ये जीवन आप कब से जी रहे हैं? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, पिछले 5 माह से मैं ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अच्छा आप लड्डू खाइए, आपकी मुक्ति का मार्ग भी मिल जाएगा। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब इन्हें पता चले कि इन्हें ये शाप कैसे मिला। विश्वकर्मा जी, आप प्रेम से लड्डू खाइए और यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं अब भी आता हूँ, किंतु आप इस गुफा से बाहर मत निकलना, मैं आकर आपकी मुक्ति का मार्ग बताऊंगा। ये पता नहीं चलेगा कि विश्वकर्मा जी को ये शाप कैसे मिला, ना ही उन्हें कुछ याद आएगा, ना ही मैं कुछ कर पाऊंगा, तो कैसे पता लगाऊं इसका? कैसे पता लगाऊं इसका? कौन बता सकता है इस शाप के बारे में मुझे? मतंग ऋषि मेरी सहायता कर सकते हैं। आज मेरे स्वयंवर के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है और मुझे ये अधिकार है कि मैं अपने इच्छा से अपना वर चुन सकूं। किंतु मैं आप सब में से किसी से भी विवाह नहीं कर सकती।
तुम्हारा विवाह सूरत या पृथ्वी के किसी वासी से कदापि नहीं होगा। तुम्हारा विवाह देवलोक के किसी देवता के साथ ही होगा।